वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज़, जहाँ पर हम स्पेशल एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम फाइव मॉड्यूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वन वॉज ऑफ मिरर एंड वाटर इमेज कॉन्सेप्ट, और ये मॉड्यूल नंबर 6 है। ये मॉड्यूल बोलो या टॉपिक बोलो, एनालॉजी के ऊपर, तो मॉड्यूल नंबर 6 है। एनालॉजी को देखते हैं। एनालॉजी बेसिकली क्या कहता है कि आपको रिलेशन गिवन है, आपको ए और बी दो फिगर हो सकते हैं, दो कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन गिवन है। सेम वैसा ही रिलेशन, ये डबल कोलन होगा, आपका सी और डी के बीच में होगा। अब या तो सी को मिसिंग कर देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क पार्ट कर देंगे, या तो डी को क्वेश्चन मार्क पार्ट कर देंगे, एक आपको देंगे। तो जो रिलेशन ये ए और बी फॉलो कर रहे हैं, वही सेम रिलेशन आपका सी और डी फॉलो करेगा। तो आपको जो मिसिंग है वो आपको निकाल के लाना है, जो भी चीज़ मिसिंग है तो वो आपको निकाल के लानी है। तो ये एनालॉजी कहती है। अब इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर्स डेट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे, ऐसा हमें सूटेबल फिगर ढूंढ के लाना है। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि इनके बीच में एक रिलेशन है और ये डबल कोलन है, तो ये चीज़ है, इनके बीच में रिलेशन है, तो हमको ए और बी का रिलेशन देखते हुए सी और डी को रिलेशन मतलब सेम होगा और डी हमको निकाल के लाना है। ये चीज़ है। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दें या आपका एक्सेस में कर दें, तो ये जो आपकी लीफ है, अब आपको देखना है कि ये आपका क्लॉकवाइज है एंड दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। अगेन 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 देखते हैं एक बार और। दिस वन इज योर क्लॉक वाइज, ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जाएगा। दिस वन इज योर एंटी क्लॉक वाइज, ये चीज ऐसे जाएगी, यहाँ से चलते हुए इधर और फिर वापस, ये यहाँ से चलते हुए और इधर की तरफ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहता है, बट ठीक है, याद हो जाता है। अब आपका एक क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हो गया फिक्स। अब आपको देखना है कि अगर आप इसको देखें तो ये आपका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कितना जा रहा है? ये एंगल आपका 45 है, क्योंकि ये मिडिल से जा रहा है, ये दोनों एक्सिस के मिडिल से। तो 45 और ये 90, 135 डिग्री आपका हाफ शेडेड लीफ जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हाफ शेडेड लीफ 135 डिग्रीज। अगर आप ये मतलब जो शेडेड नहीं है, नॉन शेडेड लीफ को देखें, सो ये आपका किधर जा रहा है? नॉन शेडेड लीव आपका जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, ये क्लॉकवाइज ऐसे ही तो जाएगा ना, ये हाँ, ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, ये 90 डिग्री और फिर ये 35 डिग्री। ओके, ये आपका यहाँ बना है, दिख रहा होगा अगर आपको, ये आपका यहाँ बना है। तो हमको अब क्या करना है कि हमको जो हमारा ये सी है, इसमें इन दोनों को क्लॉक मतलब जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से घुमा देना है। ये आपकी एक्सेस अगर आप बनाए, ये आपकी एक्सेस हमने बनाए, तो नॉन शेडेड लीव को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है 135 डिग्री। क्लॉकवाइज मींस इधर से इधर ले जाना है, ये इधर से इधर ले जाना है, ये 45, तो ये इसकी जगह आ गया शेडेड लीव की जगह। तो ये शेडेड लीव की जगह हमारे पास दो ऑप्शन में है, तो ये बाकी ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत, सॉरी तीन ऑप्शन में है, इन तीनों ऑप्शन में है। तो ये तीनों ऑप्शन अभी हमारे पास आंसर में हो सकते हैं। अब हमारी जो ये हाफ शेडेड लीव है, इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से इधर घुमाना है, इधर से इधर घुमा के ले जाना है। तो ये 45 डिग्रीज तो ये कवर करेगा और ये कवर करेगा, मतलब दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। अगर दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे तो आपका आंसर जो है, आपका आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर 5 भी उसी की तरह ही है, तो आंसर 5 भी करेक्ट है। ऑप्शन फ्रेम करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी, बट आंसर 5 भी करेक्ट है, आंसर 3 भी करेक्ट है, दोनों सेम है, दोनों सेम ही फिगर है। तो ये हमने चेक किया इसके हिसाब से कि कौन कितना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा। एक बार और देखते हैं कि आपकी तरफ अगर आ रहा है, आप इधर से, आप अपने लेफ्ट से राइट, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो और वो आपकी तरफ आ रहा है, तो आप ध्यान रखना क्लॉकवाइज है। मैं फिर से बनाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं हमेशा इसके कहता हूँ, सारी चीज़ों को ट्रिक बना के, कुछ भी मतलब एक रिलेशन बना के याद करो, उसे भूले नहीं। आप लेफ्ट से राइट जाओ, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अभी आपने एरो नहीं बनाया, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आपने हाफ सर्कल कंप्लीट किया,
अगर वो आपकी तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर आप लेफ्ट से राइट जाओ, आप एक हाफ सर्कल करो। अगर वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है मतलब एरो ऐसा बनेगा या एरो ऐसा बनेगा, आपसे दूर जा रहा है मतलब वो लेफ्ट से राइट, उसको मानो लेफ्ट से राइट जाते हुए अगर आपसे दूर जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में इसको पहले बना लेंगे एक जगह कॉपी पे, रफ कॉपी पे जो भी आपको गिवेन है, उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको खटाखट सॉल्व कर डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ए और बी के बीच में रिलेशन गिवेन है, सी और डी के बीच में रिलेशन सेम वैसा ही होगा, और हमको सी पता है डी निकालना है। ये जो फिगर था इसको हमने क्या किया है, हमने टॉप को बॉटम में चेंज कर दिया, इस टॉप को बॉटम में ले गए, एंड इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो आपका टॉप है इसको बॉटम में ले गए, ये जो आपका बॉटम है ये आपका टॉप बन गया, और ये जो टॉप था ये बॉटम बन गया। ओके, तो ये चीज़ है, बट जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही है और जो आपका राइट है वो राइट में। यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। ये आपका फिगर कुछ ऐसा है, ये आपका स्टेयर केस है कुछ ऐसी, इसको आपको चेंज करना है। ठीक है, ये मैंने बड़ा बड़ा सा बनाया, इसको आपको चेंज करना है। आपका जो टॉप है वो बॉटम होगा पर जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, मतलब ये जो स्टेयर केस यहाँ से है तो अब वो यहीं से शुरू होगी तो ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी, और जो आपका बॉटम है वो टॉप हो जाएगा। बट जो चीज़ आपकी राइट में है ये लेफ्ट है, ये राइट है, जो चीज़ आपकी राइट में है वो राइट में ही रहेगी, मतलब कुछ ऐसे। ये करेक्ट फिगर बन क्या है। अब आप मैच कर लेंगे, ये फिगर कहाँ से मैच करता है, ये फिगर मैच करता है इससे, मैच करता है इससे, नहीं करता ये आने की वजह से, और आपका शुरू यहाँ से नहीं है, आपका शुरू यहाँ से है, इससे मैच नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपका यहाँ से शुरू होगा और ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ऑप्शन वन करेक्ट ऑप्शन है। ये हम निकाल के लाए रिलेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है, और हमको रिलेशन पता है कि ए और बीच के बी के बीच में रिलेशन है, सी और डी के बीच में वो सेम रिलेशन फॉलो होगा, सी पता है हमें, डी पता करना है। इन फिगर्स को बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्किल है, ये ट्राइंगल है, इनके बीच में रिलेशन है, ये ट्राइंगल है, ये सर्किल है। अब इनके बीच में रिलेशन हमको साफ दिख रहा है डैट ये जो सर्किल था ये जो टॉप में था ये बॉटम में था, टॉप वाला डबल में है, टॉप वाला डबल में है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया फिगर्स को, ठीक है, बट डबल सिंगल ये सिंगल है, बॉटम वाला ये चीज़ फिक्स रही, टॉप बॉटम फिक्स रहा। अब हमारा ये फिगर इनके संग मैच कर रहा है और यहाँ पर रिलेशन होगा और हमको ये निकाल के लाना है, ये फिगर कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है कि बॉटम डबल है तो फिर बॉटम में ही डबल रहेगा आंसर में, बट इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, आपका टॉप सिंगल है तो सिंगल रहेगा, बॉटम आपका जो ऐसा है वो डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिल रही है, ये चीज़ आपको सेकेंड ऑप्शन में मिल रही है। ओके, इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज हुआ, और डबल ऊपर था तो डबल ही रहा, यहाँ पे डबल नीचे है तो फिर वो नीचे ही डबल रहेगा, तो ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पे। ए और बी, एक बार और मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी के बीच में रिलेशन है तो डबल कोलन लगाया, वैसा रिलेशन सी और डी के बीच में होगा, डी हमको फाइंड करना है। हमने ए को बनाया, ये हमने ये डॉट लगाए, ये चार डॉट लगाए, ये मैं रफली सा कुछ बना लेता हूँ, उससे मतलब नहीं है, वो फिगर जो यहाँ है वही वहाँ बनेगा, तो ये रफली सा मैंने बनाया, ये ऐसा हो गया, ये फिगर हिडन हो गया, हिडन मतलब गायब हो गया या चला गया कुछ भी। हमको ये फिगर को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, हमने रोटेट कर दिया कैसे, ऐसे। ये क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पे मेरी तरफ आ रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर दिया, इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है,
उसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब हमें यहाँ देखना है, ये स्टार है। सो स्टार को तो हमको गायब कर देना है, तो हमारे ये तीनों ऑप्शन भैया चले गए पानी में। अब हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 बचा। अब इसको मैंने क्लॉकवाइज किया है, तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन पूरी कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ये पूरी ऐसी क्लॉकवाइज। इसको आप क्लॉकवाइज मतलब ऐसे रोटेट कर दो, ये रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज, ये जो आपका ये जो टिप है वो आपकी ऊपर चली जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, एकदम से बस 1 मिनट नहीं लगेगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट मॉड्यूल, व्हाट वी से इज पेपर फोल्डिंग, मॉड्यूल नंबर 7 इज पेपर फोल्डिंग। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो पेपर फोल्डिंग काफ़ी सिंपल सा मॉड्यूल है, इसमें कुछ समझने वाली ऐसी पर्टिकुलर बात नहीं है, बट विजुलाइजेशन है, एक स्ट्रांग विजुलाइजेशन चाहिए। तो सिंपल ये होता है कि एक पेपर देते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट शीट है, और उसको हम फोल्ड कर रहे हैं इस डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसी एक्सेस पे हो सकती है, ऐसी हो सकती है, एक्स एक्सेस पे डायगनली हो सकती है, अदर डायगनल पे हो सकती है, वो कैसा भी। सो जस्ट इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमको क्या शो होगा, क्या चीज़ शो होगी वो हमको बताना है। मतलब अगर ये ट्रांसपेरेंट पेपर है तो जो इधर का फिगर है वो भी दिखेगा और इधर वाला फिगर भी आ जाएगा। इसको पेपर को ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं इस साइड में। सो आप ये चीज़ देखिए, अगर आप इसको ऐसे वो कर लीजिए, इसको मैं यहाँ बड़ा ही ड्रॉ करता हूँ। अगर आप ये एक्सेस बनाइए, आप इसको फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो नीचे की चीज़ है वो तो इस पे, ये जो चीज़ है ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ इस पे सबमर्ज हो जाएगी। ओके, ये चीज़ तो दिखेगी नहीं, ऊपर वाली चीज़ आपको देखनी है। ये जो चीज़ है ये चीज़, ये अब कैसी आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगी। तो आपका कुछ फिगर जो होगा वो आपका ऐसा होगा, फोर्थ फिगर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नीचे वाला तो सेम रहेगा, ये नीचे वाला सेम है, नीचे वाला सेम है, बट ऊपर वाला जैसा कि मैंने बताया अगर इधर से जा रहा था वो बीच में, तो वो इधर से जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये चीज़ किससे मैच कर रही है, फिगर नंबर 4 से। सो अब समझ में आया होगा पेपर फोल्डिंग, मतलब इसमें कुछ समझने का ही नहीं है, विजुलाइजेशन है। अब आप बस ये छोटी छोटी बातें हैं कि ये इसको ये चीज़ तो इधर आके उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसको फोल्ड करेंगे जो ऊपर का हिस्सा है ये कहाँ जाएगा, ये तो है नहीं। तो फिर उस हिसाब से अगर आप इसको करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे एक्सेस से जाएगा ही, और इसमें तो आपने क्या किया है, नीचे का ये जो नीचे का हिस्सा ही गायब कर दिया, तो ये भी नहीं है। इस हिसाब से ये काफ़ी सिमिलर थे, ये 3 एंड 4 काफ़ी सिमिलर है, बट 4 करेक्ट आंसर है, 4 करेक्ट आंसर है। सो इसमें जो भी डिफरेंसेस है ये यहाँ से आना था ऊपर से नहीं, वो यहीं पे ऑप्शन में गलती होती है, तो ये चीज़ देखने वाली है। आपको एक और क्वेश्चन दिया है, तो फिगर को मैं बड़ा सा ड्रॉ कर दूं। अब आपको ये वर्टिकल एक्सिस दी है, वर्टिकल एक्सिस दी है, और आपको ये फिगर है, ये आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर ये हेमी स्फेयर सेमी सर्किल है। अब इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है इसके अराउंड, तो आप ये देखिए कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है अगर ये इधर लाएंगे तो ये तो इस पे मर्ज कर जाएगा। ओके, बट ये हिस्सा ये ऐसे आ जाएगा, तो आपका जो होगा आपका हाफ होगा पहली बात, तो हाफ ट्राइंगल तो एज इट इज आ जाएगा, आपका ट्राइंगल एज इट इज आ गया, और ये जो है ये इसी के ऊपर ऐसे मर्ज कर जाएगा। ये चीज़ आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 गलत है, 2 गलत है, 4 गलत है, ओके, बट 3 सही है। तो ये आप ऐसे क्या करें, आप सेम फिगर को पहले बनाएं, ऐसे एरो बना के जिस तरफ से फोल्ड करना है फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे विजुलाइज करिए, और जो आपका मर्ज हो सके उसको तो आप ऐसे मर्ज करके देखिए कि ये तो मर्ज ही हो जाएगा इधर आके, एक्स्ट्रा आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट शीट है तो आपका सब कुछ दिखेगा। अब इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसमें भी वर्टिकली आपका किया है तो ऐसे करके दिखा दिया, या आपका ऐसे बनी हुई है पत्ती, ये ऐसे फोल्ड हो रहा है। सो आपका जो आंसर होगा, आंसर में क्या बात होगी कि ये जो आपकी ये है, ये तो एज इट इज ही रहेगी, ये तो एज इट इज ही रहेगी, ये तो एज इट इज ही रहेगी। ये तो एज इट इज ही रहेगी। बट हमेशा क्या हो रहा था पीछे, देखो ये क्वेश्चन में तो ऐसा क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। ये हमको ऑप्शन को देख के करना है कि हमेशा इधर से इधर को फोल्ड कर रहे थे, ये आपको डॉटेड दिख रहा था, इन दोनों क्वेश्चन में यही चीज़ थी। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे आप इधर से इधर को फोल्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखनी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखनी, जिससे कि आंसर और आंसर को सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ा सा बदल जाएगी। आप इधर से इधर को फोल्ड कर रहे हो अबकी बार, ये ऐसे आपने फोल्ड किया है, ओके, ऐसे फोल्ड किया है। तो अब आपका आंसर में क्या मैंडेटरी है, आपका ये जो एरिया है, ये आपने इसके अराउंड फोल्ड किया है, ये एरिया आप एज इट इज बना दो, ये एरिया आप एज इट इज बना दो, ये एरिया आपने एज इट इज बना दिया। ये एरिया में आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है, आई एम सॉरी, यही चीज देखना जरूरी है, ये आपने बनाया, ये जो है ये ऐसी स्ट्रेट ऊपर को लाइन है ये जो है, और ये जो लाइन है वो ऐसी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये ऐसी आपकी स्ट्रेट लाइंस आपके आंसर में होंगी। अब स्ट्रेट के हिसाब से आपका ये मुड़ी हुई लाइन हो गई, ये गलत हो गया, और ये भी मुड़ी हुई लाइन हो गई, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है। तो अभी तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, बट ये जो चीज़ है ये जब इधर जाएगा पेपर फोल्ड होके, ये जब इधर जाएगा तो अगर आप इसको सोच सकें तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, तो ये आपका ऐसा, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट ही रहेंगी। तो ऑप्शन थ्री गलत है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे, इन्होंने इनको इन लाइन को ऐसे तो किया है, इन लाइन को ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी हैं, ऐसी तो है ही नहीं। तो ऑप्शन थ्री और टू गलत हो गए। अब बचा वन और फोर, आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब सबसे मेन चीज़ क्या है इसमें, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। ये आपका मिरर है, मिरर आपका ऐसा होता है, और वाटर वाला मिरर आपका ऐसा होता है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपका मिरर है। अब आपको क्या करना है कि जिधर से जिधर को फोल्ड करना है। अब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, वैसे तो जब कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं इसमें, बट निकल सकते हैं। पहला नंबर वन कि जिस तरह फोल्ड करने के बाद फिगर बना है, जैसे इधर इधर बना है, तो वहां पे एज इट इज आप ड्रॉ कर दो, एज इट इज, जैसे इधर बनाना था हमको फिगर, इधर सेकेंड हाफ में वन है टू है, सेकेंड हाफ में बनाना था, उस सेकेंड हाफ को हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, और जो हमारा फर्स्ट हाफ है जो अदर है उसका आप मिरर कर दो या वाटर कर दो। अगर आपका आपको इसके अराउंड कहते हैं कि इसके अराउंड आपको पेपर फोल्ड करना है, मतलब ठीक है इसके अराउंड, तो आप वाटर करते, वाटर इमेज निकालते, मिरर इमेज आपने निकाल दी। सो इसकी मिरर इमेज क्या कहती है कि आप जो ये जो आपका इसको अगर ड्रॉ करें, या आपका कुछ ऐसा है, इसका आपका मिरर इमेज निकालनी है, तो आपका जो ये राइट है और ये लेफ्ट, इस राइट को लेफ्ट बनाना, तो ये आपका ये मिरर इमेज ऐसी बनी ना बिल्कुल, बस तो मिरर इमेज आप ऐसी बना दो, इसको बड़ा कर दो, तो ये आपका ऐसा हो गया। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है, आंसर आपका दिख रहा है फोर्थ, फर्स्ट कहीं से नहीं हो सकता। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक, बाकी कुछ क्वेश्चन आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक में, ऑनलाइन क्वेश्चन की तो कमी है नहीं। अब फाइंड आउट द अमंग फोर ऑल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर, ठीक है, ये सब वही चीज़ें हैं, इससे कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपेरेंट पेपर है। अब ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है, आप डायगनली इसको कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा या इसके अराउंड करते तो वहाँ मिरर इमेज और वाटर इमेज के हिसाब से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जिस सेक्शन में, मतलब वंस फर्स्ट सेक्शन है सेकेंड सेक्शन है, या फिर फर्स्ट ऊपर है सेकंड नीचे है, तो जैसे इससे उधर को फोल्ड करना है, तो फर्स्ट में फोल्ड जो आपका फिगर फाइनल बनेगा वो फर्स्ट रीजन में बनेगा, तो जिस रीजन में बनेगा उस रीजन को आप एज इट इज लिख दो, और जिस इसको फोल्ड करना है इसके अराउंड,
इसको आप वाटर इमेज निकाल लो, वाटर इमेज निकालनी आती है, ये आपकी एक्स एक्सिस के अराउंड आपको मिरर मान लो लगा दिया, मान लो, तो आपको इस टू को इधर ही बनाना है, वन में, वन प्लस टू, तो इसका आप मिरर वाटर कर दो। ये बेसिक सा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने डायगनल के अराउंड लिया है मिरर, और हमने क्या फोल्ड किया है, हमने ऐसे फोल्ड किया है, ये चीज़ इधर को फोल्ड करके लाए हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ जिधर आप फोल्ड करके ला रहे हैं उसको एज इट इज़ बना दो, मतलब ये कह लो ये रीज़न वन है, ये रीज़न टू है, ये टू रीज़न को आप एज इट इज़ बना दो, एज इट इज़ बना दो, ये टू रीज़न को हम एज इट इज़ बनाएंगे। तो पहले तो इसको बना लेते हैं, ये आपका मेन फिगर ऐसा है कुछ, फिर ये ऐसा है, ये ऐसे तीन बार गया है। ओके, ये तो आपका मेन फिगर है, गिवन फिगर है, हमें आंसर बनाना है। तो इसको हमने डायगनल बनाया, ये जो सेकंड रीजन है ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन में फाइनल फिगर है, सेकंड रीजन को हम एज इट इज बनाएंगे, मतलब इसको हमने ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया और इसको ऐसे बनाया, तो हमारे आंसर में कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये कहाँ नहीं है, ये कहाँ नहीं है, वो अभी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो हमको देखना रहेगा। अब आप क्या करो, इसको इधर फोल्ड करो, इसको इधर फोल्ड कर रहे हो आप, तो अगर आप विजुलाइज कर सको, आप विजुलाइज कर सको, मान लो ये पेपर है, इस पेपर को फोल्ड कर दोगे इसके ऊपर, तो ये जो लाइन होगी ना, जब इसको ऐसे दबा के फोल्ड करोगे तो वो इसी के ऊपर आ जाएगी लाइन, ये जो लाइन है अगर आप डायगनली फोल्ड कर रहे हो तो वो इसी के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे देखो प्रॉप ओनली विजुलाइजेशन है, इसको आप फोल्ड करोगे डायगनली, ओके, तो आपकी ये जो लाइन है वो इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो लाइन होगी वो आपकी इसी के ऊपर आ जाएगी। अगर आप फोल्ड करके देख लो पेपर को डायगनली, तो ये जो आंसर है वो एज इट इज ऐसा हो जाएगा, ना तो ये होगा, देखो तो ये नीचे का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पूरी तरह गलत है। यहाँ पे क्या है कि छह लाइन करती हैं, छह लाइन तो कहीं नहीं आएंगी, ये इसलिए भी नहीं आएंगी, चलो मान लो आप, मैंने ये जो कहा आपने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, एक मिनट के लिए ये मान लो आपने मेरी बात नहीं मानी कि हमें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा होगा, तो आप फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ये अगर आप एक ऑप्शन लगा के भी आते हो तो ज़्यादा चांस है वो सही हो। अब आप ये देखो कि ये जो लाइन तीन निकली, और ये जो बची हुई तीन लाइन है ये उतनी ही विड्थ पे है जितनी दूरी पर ये लाइन है, देखो जितनी दूरी पर ये लाइन है उतनी ही दूरी पर ये लाइन है, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दूरी की छः लाइन निकल आएंगी, तो ये पूरी तरह गलत है। अब ये दो पॉसिबल हो सकते हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आंसर वन है, आप फिर जो समझ के आप चाहो तो टू लगाओ, चाहो तो वन लगाओ, तो आंसर वन है, ये विजुलाइजेशन है ओनली कि अगर इसको आप डायगनली फोल्ड करते हो तो ये चीज़ इसी पे मर्ज हो जाएंगी, जो यहाँ है वो इसी के ऊपर आके मर्ज कर जाएगी। सो मॉड्यूल 8 को देखते हैं, और इस लेक्चर का इसको लास्ट रखते हैं, फिर फाइनल स्पेटल एप्टीट्यूड का लास्ट जो तीन चार टॉपिक्स है उसको लास्ट लेक्चर में रखेंगे, तो मेरे हिसाब से चार लेक्चर में कवर हो रहा है, 16, 17, 18 एंड आई थिंक 19 और मे बी 20। सो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग हमने देखा, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको हमने फोल्ड किया था, अब पेपर कटिंग देखते हैं। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंजिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ थ्री फिगर्स, थ्री और टू फिगर्स हो सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, मतलब एक सीक्वेंस दिया है कि पहले आपने ऐसे फोल्ड किया, फिर आपने ऐसे फोल्ड किया, फिगर जेड जो फाइनल फिगर होगा, फिगर जेड शोज द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बिन कट, तो पहले हमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार, जितनी भी बार हमने फोल्ड किया, ठीक है, एक बार फोल्ड किया, दो बार, तीन बार, अब तीसरी बार जो फोल्ड होकर चीज बनी उसमें हमने पेपर को कट कर दिया, दीज थ्री फिगर्स आर फोल्डेड बाई फोर आंसर, तो हमें फिर चार आंसर दिए, फ्रॉम विच यू हैव टू चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर, मतलब अगर जेड जो था ये फाइनल फोल्ड था, ये फाइनल फोल्ड था, फाइनल फोल्ड के बाद में हमने इसमें कुछ कट किया, फिर हमने इसको अनफोल्ड कर दिया, फिर से हमने अनफोल्ड करके कंप्लीटली, यहाँ पे पॉइंट क्या निकल रहा है, हमने इसको अनफोल्ड किया, कंप्लीटली अनफोल्ड कर दिया,
तो एक यहाँ पे बात क्या होगी कि पेपर जो फाइनल आंसर होगा वो स्क्वायर शेप में तो आ जाएगा, बट जो हमने कट किए थे वो तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो एज इट इज रहेंगे। हमने जैसे पेपर, एक पेपर है, इसको आपने इतना फोल्ड कर दिया, तो ये पेपर कैसा हो गया, ये पेपर ऐसा हो गया। मतलब मैं दिखाता हूँ, ये जो हिस्सा था फोल्ड वाला, ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा देखो यहाँ बहुत अच्छे समझना, ये जो हिस्सा था फोल्ड वाला वो अभी हिस्सा यहाँ आ गया। मतलब इतनी जगह ये डॉटेड लाइन के अंदर यहाँ पे दो पेपर हैं, एक जो नीचे का पेपर था ये पेपर, ये जो पेपर था ये, और जो ऊपर से फोल्ड करके गया है। अब इधर आप एक कट कर दो, एक कट कर दो और फिर इसको वापस खोल दो, तो ये जो कट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पेपर थे तो वो नीचे वाले पेपर में भी कट होगा, ऊपर वाले में भी होगा, तो जो आपको फाइनल फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका इसके अराउंड फोल्ड किया था ना आपने इतने को, आपका कट यहाँ पे भी होगा और आपका कट इस पेपर में भी होगा, तो आपकी ये डबल होते जाएंगे कट। तो यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये कट आपके डबल होंगे। तो ये क्या, ये आपका जेड है फाइनल फोल्ड, उस पर हमने किया है कट, ये हमने दो कट किए हैं। देखो पहले इजी क्वेश्चन उठाते हैं, दो कट किए हैं, ये दो कट किए हैं, अब उन कट को हमें बताना है कि फाइनल फिगर्स में कैसे होंगे वो, और हमें अनफोल्ड करना है कम्प्लीटली। तो आप क्या करो, ये जो डॉट है इसको आपने फोल्ड, अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से इसको आपने फोल्ड किया, तो इसको आप अनफोल्ड करोगे तो आपका यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, और इसको अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा। बस सिंपल सा आपका आंसर है, तो आपका आंसर नंबर 3 हो गया, सिंपल सा आंसर, आंसर नंबर 3। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी थोड़ा सा भयंकर है क्वेश्चन भैया। आपने ये एक ट्रेपेजियम टाइप था, आपने इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये आपका ऐसा हो गया। फिर क्या किया आपने कि इसको मतलब इसको ये सेंटर के बॉर्ड आपने फोल्ड कर दिया, ये सेंटर के बॉर्ड फोल्ड कर दिया, तो ये आपका सिर्फ एक इतना ये रेक्टेंगल बचा। फिर आपने ऐसे फोल्ड कर दिया वापस, ठीक है, ये वापस फोल्ड कर दिया नीचे, तो आपका इतना एरिया बचा, इसमें आपने दो कट निकाल दिए। अब आपको फाइनल फिगर बताना है, अब आप क्या करो, इसको वापस से अनफोल्ड करो, यहाँ वापस से अनफोल्ड करो, तो जेड के बाद मान लो मैं ए बी सी और डी, देखो जेड में ये जो फोल्ड है, अगर इसको मैं वापस फोल्ड करूँगा तो ये जेड तो जेड है, मैं इसको ऊपर खींच के ले जाता हूँ तो ये वाई बन जाएगा हमारा ए, मतलब ये जो ए है वाई ही ए होगा, बट उसमें डॉट आ जाएंगे, ये जो डॉट है। फिर आपका एक्स क्या होगा, बी, उसमें डॉट आ जाएंगे, और पी क्या होगा आपका, सी, उसमें डॉट आ जाएंगे, डी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओके फिर से समझना, मैंने इसको इधर से फोल्ड किया तो आपका ये ऐसे बना रेक्टेंगल, बीच में ये ट्राइंगल से आपके शेप दिखे, फिर मैंने इसको फिर से फोल्ड किया तो ये आपका ऐसा बन गया ट्राइंगल, और सॉरी रेक्टेंगल सिंगल पतला सा। फिर इसको ऊपर से नीचे भी फोल्ड कर दिया मैंने, ऐसे ऊपर से उठा के नीचे कर दिया, तो ये आपका केवल इतना बचा। फिर मैंने दो डॉट कर दिए, अब इसको मैं वापस ऊपर खोलूँगा, फिर इसको मैं वापस इधर खोलूँगा, फिर इनको ट्राइंगल्स को वापस इधर खोलूँगा मैं, ओके ये एरो दिख रहा होगा, इधर खोलूँगा तो फाइनल फिगर ऐसा होगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वाई एक्स और पी ये बिफोर कटिंग के फिगर हैं, ए बी सी आफ्टर कटिंग के फिगर हैं, ए बी सी जो आपके हैं आफ्टर कटिंग के फिगर हैं, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग के फिगर हैं। अब मैं बनाना शुरू करता हूं, मैं अगर ए को बनाऊंगा तो ए मेरा केवल इतना होगा, देखो मैं डॉटेड डॉटेड सब नहीं बना रहा, कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहा। अब आपके जो ये दो डॉट हैं और ये आपका ये है, ये नीचे हमारे दो डॉट थे और मैंने इसको ऊपर कर दिया, तो आपका फिगर इतना बन गया, बस इतना थोड़ा विजुलाइज करना तो आना चाहिए। तो ये जो आपके डॉट हैं, ये डॉट की जगह यहाँ पे डॉट होगा और इस डॉट की जगह यहाँ पे डॉट होगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये जो एक्सेस है आप मतलब क्या इसका इसका वाटर इमेज निकाल रहे हो, ये कौन सी है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस के जो नीचे है वही चीज़ ऊपर होगी सेम, क्योंकि कट नीचे है तो वो कट ऊपर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम मतलब पेपर की डबल लेयर में हमने कट किए हैं, तो एक लेयर में तो नीचे होंगे ऊपर भी हो जाएंगे। तो आप अगर इसका निकालोगे वाटर इमेज तो लेफ्ट लेफ्ट रहेगा, राइट राइट रहेगा, बट टॉप जो है वो बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप। आप ये बना के देख लो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो आपको ऐसा ही दिखेगा। अब क्या करना है मुझे,
अब इस फिगर को मुझे इधर खोलना है, तो ये फिगर कुछ मेरा ऐसा होगा, तो मैं बनाता हूँ बी फिगर। बी फिगर मेरा कुछ ऐसा होगा, ओके। अब ये डॉट इधर है, ये ट्रेपेजियम वाले ट्राइंगल बचे हुए हैं, तो अब ये फिगर इतना था मेरा। अब मुझे इसके अराउंड खोलना है, अब मुझे मिरर इमेज बनानी है। यहाँ पे वाटर इमेज बनाई थी, यहाँ पे मिरर इमेज बनानी है। देखते रहना, ये डॉट्स को बना लो। ये डॉट्स को बना लिया मैंने, डॉट्स को बना लिया। अब आंसर खुद ही से आ जाएगा। अब आपका मिरर इमेज बनानी है, मतलब आपका जो लेफ्ट है ये आपका राइट है, तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं, अब ये किधर चली जाएंगी, ये आपकी लेफ्ट में आ जाएंगी, ये चीज़ें इधर ही रहेंगी, बट ये जो है ये इधर चला जाएगा। तो ये कुछ आपका ऐसा फिगर बन गया, मतलब ये सेंटर में नहीं है, उनको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा फिगर बन गया आपका, मतलब दो इधर है और ये सेंटर के अबाउट आपने किया है। ये कुछ ऐसा फिगर बन गया आपका, अब ऐसा फिगर बन गया। अब आपको फाइनल फिगर लाना है अपना, सी फिगर। फाइनल फिगर लेके आना है, जो कि फिगर है सी, जिसको हम ड्रॉ करेंगे इसी के अंदर, पी के अंदर ही। अब आपका ऐसा तो हो गया, अब आपका दिक्कत क्या है, ऐसा होने के बाद ये ऊपर गया, चलो ये ऊपर गया तो आपके डॉटों से होगा, ये ऐसे आपने खोल दिया तो ऐसा हो गया। बट आपको ये दिमाग में रखना था कि अभी आपका जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ऐसे हैं, ये ट्राइंगल ऐसे हैं। अगर आप इस ट्राइंगल को नोटिस करो, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो वो इन डॉट्स को भी लेके बन रहा है, इन डॉट्स को लेके बन रहा है। अब इन ट्राइंगल को अगर आप बाहर खोल दोगे, तो देखो ये मान लो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये जो मतलब ये मान लो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पूरा, ये ट्राइंगल। तो ये जो डॉट इधर है, आप इस ट्राइंगल को वापस खोलोगे तो ये डॉट इधर नहीं आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हो, आप एक तरफ देखो, आप इस एक्सिस के अबाउट कर रहे हो और ये है, तो ये इधर आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल फिगर होगा वो कुछ ऐसा होगा। बनाया मैंने ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बनाया, ट्रेपेजियम बनाया। अब मैंने एक डॉट इधर बनाया, मैं इसमें ये बना लेता हूँ, ठीक है, ये बना लेता हूँ। ये जो डॉट है, ये डॉट मैंने इधर बनाया एक, और इसमें ये जो डॉट की दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत ये है थोड़ा सा, ये जो डॉट बनाया ना, ये जो स्ट्रेट लाइन इसको बीच से काट के जा रही है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो एक ही डॉट दिखेगा, आधा इधर आधा उधर। ये चीज़ बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है, दो डॉट नहीं दिखेंगे। तो ये एक डॉट इधर दिखा, एक डॉट इधर दिखा आपको आधा आधा, बाकी आप डॉट्स एट इज बना, एज इट इज बना दो। बीच में आपको चार चार डॉट मिलेंगे, चार डॉट मिल गए आपको, एक डॉट यहाँ मिलेगा, एक डॉट यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये जो इतना फिगर था आपका स्क्वायर, बस ये डॉट आपका इधर आ जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा। अब आप इसको मैच कर लो, ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ये यहाँ पे ऐसा कोई डॉट नहीं है, ये डबल डॉट यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा कोई डॉट नहीं है, ये आपका सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पॉज करके आप देख सकते हो इसको, फिर से देखना है तो, या इसको देखना है पीछे उसमें जाके, ये पॉज करके। अब दो तीन एक दो क्वेश्चन है और करते हैं, खत्म करते हैं इसको। या आपके पास एक क्वेश्चन और आया, आपने पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, ओके, एक्स वाई जेड, तो फाइनली आपने इसमें इस ये होल किए और ये ट्राइंगल भी बनाया। अब आप इसको वापस अनफोल्ड करो, ठीक है, वापस अनफोल्ड करो ऐसे, तो ये जेड के बाद मैं वही चीज़ करता हूँ, ए बी एंड सी फिगर बनाता हूँ। ए बी सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो और अच्छी बात है।
ये ए फिगर बनाना है। तो जैसा ये फिगर है, ये फिगर है ऐसा, तो ऐसा ही फिगर मुझे यहां बनाना है। ओके, ऐसा ही फिगर यहां बनाना है इतना। तो सेम फिगर को ड्रॉ कर दो, ये जो ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, ये दो डॉट यहां है, सो दो डॉट्स यहां बन जाएंगे। ओके, ये ए फिगर आया। अब इस ए फिगर को मुझे, मतलब इस फिगर को बाहर की तरफ भी फोल्ड करना है, जो बाहर के छोटे ट्राइंगल बचे हैं इनको फोल्ड करना है। तो फाइनल बी और जो एक्स फिगर है मेरा, देखो एक्स फिगर तो ये है जो लिखा है, बी फिगर वो है जो फाइनली सारे कटट करने के बाद जो फाइनल फिगर बनेगा, जो इन ऑप्शन में से है, बी इनके अंदर है, वो बी हमको ढूंढ के लाना है। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि इस ट्राइंगल को भी बाहर कर दूंगा। अब आप यहां से देखो, ये जो ट्राइंगल अंदर को आया था, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये अंदर को आया था, इसको आप बाहर बनाओगे। देखो पहली बात तो इस ट्राइंगल से आपका इस ट्राइंगल का तो मतलब बन नहीं रहा है। ओके, आप इसको करोगे तो ये जो ये किस किस को कंटेन कर लेगा, ये आपका इस डॉट को कंटेन कर लेगा, और फिर ये अगर आपका इधर डॉट है इसको भी, मतलब आप ये ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे तो ये आपके दो डॉट यहाँ पे आ जाएंगे, ये डॉट भी उधर हो गया, ये कुछ ऐसा आपका ये डॉट भी हो गया। तो ये जो आपका फिगर बना फाइनल स्क्वायर फिगर, तो आपका 1 2 3 4 तो डॉट बन गए कुछ ऐसे, और इधर आपका ट्राइंगल बन गया। अब आप मैच कर लो, ये किससे मैच हो रहा है, ये आपका ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। तो ये Z के बाद आएगा A, उसके बाद आएगा B, ये A है, ये B है, ये B हमारा इसमें है, ये बी हमारे इसमें है, वही हमारा आंसर है, उस तक हमें पहुंचना है। अब इसको हम ऐसे वापस फोल्ड करते हैं, इसको वापस फोल्ड करते हैं, कोई बात नहीं, हम ये वापस फोल्ड करते हैं। तो ये ऐसा होगा, ये बीच का एरिया है, ये तीन डॉट हैं, तो वापस फोल्ड करेंगे तो ये तीन डॉट हमारे फिर से आ जाएंगे। देखो अब तो विजुलाइज होने लगा होगा, ये डायगनल है, वापस फोल्ड करेंगे तो तीन डॉट आ जाएंगे। अब ये जो छोटा सा एरिया बचा था ये, अब आप ये देखो, अगर आप इस एरिया को यहाँ बना दो, आप इसी फिगर में, मैं इसको दिखाऊं रेड से, आप इसी फिगर में इस एरिया को बना दो या इस फिगर में इस एरिया को बना दो, आप ये देखोगे कि इसके अंदर आपके डॉट आ ही नहीं रहे, मतलब इसके अंदर डॉट होंगे ही नहीं। आप इसको बना दो ऊपर, ये जो जितना ये नीचे है उतना ही आप ऊपर बना दो, इसके अंदर डॉट ही नहीं है, तो बस फाइनल फिगर यही होगा। आप इसको कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो, तो आपका जो फाइनल फिगर होगा वो आपके ऐसे बस डॉट ले जाएगा, 6 डॉट, तो फोर्थ आपका जो फिगर है वो सही आंसर है। उसके बाद लास्ट पे आते हैं और इस लेक्चर को खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, फिर एक लेक्चर बचेगा बस पेटीएल का। इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ये इसमें चार फिगर हैं, ठीक है, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, तो Z के बाद बनेगा A जो कि होगा ये, फिर बनेगा B जो कि होगा ये, बनेगा C जो कि हमारे इन आंसर में C मौजूद होगा। तो A B C, A B C, ऐसे हमने बनाया सॉल्व करने का तरीका। अब ये क्या किया है कि इतना हमारे पास बचा था केवल पेपर, हम ऐसे बनाए अगर, ये इतने में हमारे ये दो डॉट थे, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे। अब इसको मैं वापस फोल्ड करके जाना है, मैं वापस फोल्ड करके इतना पूरा एरिया बनाना है, इतना पूरा एरिया बनाना है, तो इसको वापस फोल्ड कर दो आप, तो ये जो है ये इधर बन जाएगा और ये आपका इधर बन जाएगा।
उसके बाद आप क्या करो, इसको आप वापस फोल्ड कर दो। मतलब ये तो हमने फोल्ड किया था, हम वापस जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो अब इसको इधर फोल्ड कर देंगे। तो इसको इधर फोल्ड कर देंगे तो ये तो सेम ही चीज़ निकल आएगी जो इधर है, बस ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो इधर था जो हमें दिया गया था वो ऐसे हो जाएगा। और ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। मतलब सेम आपने इधर कर दिया, जो सेम इधर कटा था तो वही इधर कट गया। अब इसको ऊपर फोल्ड कर दो, और मैं कहूँ ये आपका बी फिगर है, ए फिगर नहीं है, ये आपका बी फिगर है। ए फिगर तो इतना था, वो मैंने उसी में बना दिया। अब आपको सी पे जाना है, आपको सी पे जाना है। अब आप इसको इसको ऊपर कर दोगे, ये कंप्लीट फिगर आ जाएगा। ये आपका सी है, मान लो ये सी है आपका कंप्लीट फिगर, ये आपका सी है, आपको सी पे जाना है। सो आप जैसे ही इसको ऊपर फोल्ड करोगे दोनों तरफ से, तो ये जो आपका है, इसको मैं डॉट दिखा देता हूँ, ये तो आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है बीच में, ओके, ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा, इतना। अब ये जो चीज़ है तो फिर ये भी ऐसा, जैसा ये पैटर्न बना है ये भी ऐसा पैटर्न ले लेगी, ऐसा पैटर्न ले लिया। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बन जाएगा, ये जो चीज़ है ये ऊपर ऐसे बन जाएगा, और ये जो बीच का चीज़ है ये भी रिपीट कर जाएगी, सेम चीज़ हो जाएगा, ये ऊपर ये इधर। अब आप क्या करो, अब मैं दिखाता हूँ आप क्या करो। अब आप ये मिटा दो, क्योंकि ये तो कट हो चुका है ना, ये तो पेपर कट हो चुका है, तो उसको हमें काट के ही रखना है। आप ये मिटा दो, अब आपने ये मिटा दिया। अब आप मैच कर लो ये आपका किससे मैच करता है। थोड़ा सा टफ पार्ट था लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है, तो पॉसिबल। ये आपका मैच कर रहा है टू से, टू आपका राइट आंसर है। थैंक यू।